सो हे गाइज, दिस इज ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइज, हम बात करने वाले आज IMO वाले एप्लीकेशन के बारे में, जो ICICI का IMO एप्लीकेशन है उसके एप्लीकेशन के बारे में। आज पूरी मैं आप सबको जितना भी हिस्ट्री है इसमें, यानी जितना भी आप लोगों को फैसिलिटी, इसमें नया नया अपडेट दिया गया है, जो कि अभी फिलहाल नया अपडेट दिया गया, पूरी मैं इस वीडियो में आप सबको बात करने वाला हूँ। गाइज, मैं एक बात और बता दूं, ये वीडियो जो बनाया जा रहा है, ये VOD के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है, यानी इस वीडियो का एक डिमांड आया था कि सर आप एक पूरी वीडियो यानी IMO एप्लीकेशन के बारे में पूरे अच्छे तरीके से समझाइए, ताकि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, पूरे मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो गाइज, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल बनाया जो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मिलता रहे आपको और नया नया वीडियो का अपडेट। सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और दिखाता हूँ किस तरह से इसमें नया नया अपडेट आया है और आप सबके लिए क्या लाभदायक है इसमें। तो पूरी मैं इस वीडियो में आप सबको लाइव दिखाऊंगा। चलो चलते मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो गाइज, मैं फाइनली आज के अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर ओपन कर लिया हूँ मैं प्ले स्टोर। गाइज, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको IMO एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है, जो कि IMO एप्लीकेशन आप सबको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो गाइज, चलो फाइनली मैं IMO एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में सर्च किया। तो गाइज देखें, फाइनली मैं जो मेरा IMO एप्लीकेशन है, ये मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ ऑलरेडी। तो गाइज, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको फाइनली अभी ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज, फाइनली मैं ओपन पे भी क्लिक कर चुका हूँ। गाइज देखें, हमारे फिंगरप्रिंट ऑप्शन आया, क्योंकि मैं लॉक करके इधर रखा था, तो चलो मैं इसको ओपन ही कर दिया हूँ। गाइज, अब उसके बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा ICICI IMO एप्लीकेशन में, जो पहला लोगो है ICICI बैंक लिखा रहता है उस पर। कभी उसके बाद आपको एक एम पिन का जरूरत पड़ेगा, यानी जो आप लोग जब IMO एप्लीकेशन को यानी चालू करोगे तो उसमें आपको एक कार्ड का यानी कार्ड का ABC यानी बैक जो रहता है, उस बैक कार्ड का बैकग्राउंड में जो भी रहेगा वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको IMO एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। क्या उसके बाद इधर देखेंगे, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट के बारे में, जो क्या इसमें एक भारत QR कोड का ऑप्शन दिया गया है स्कैन टू पे का, यानी इधर से आप लोग स्कैन टू पे करते हैं तो आप सबको फाइनली क्रेडिट कार्ड का मनी आप लोग बैंक अकाउंट तक ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसानी से। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप सबको समझ में आ जाएगा। चलो फाइनली मैं अभी इस एप्लीकेशन को लॉग इन कर लेता हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं इस पर फिंगरप्रिंट में लगा दिया हूँ। तो गाइस, अभी मेरा जो IMO एप्लीकेशन है ये चालू हो जाएगा। तो गाइस, देखेंगे मेरा जो IMO एप्लीकेशन है बिल्कुल चालू हो चुका है। तो गाइस, ये नया नया अपडेट अभी फिलहाल में दिया है IMO एप्लीकेशन में। तो गाइस, इधर देख पाएंगे आपका जो सबसे पहले इधर आप देखेंगे ये आपका बैंक हो गया। तो गाइस, बैंक में आने के बाद इधर ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप लोग अपना डेबिट कार्ड का भी इधर से इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए गाइस इधर आप क्या करना पड़ेगा, मैनेज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ। गाइस, जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आप इधर देखेंगे आपका इधर डेबिट कार्ड का शो हो गया। गाइस, इधर से आप लोग अपना कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं डेबिट कार्ड, या तो अपना जनरेट पिन कर सकते हैं डेबिट कार्ड का, ये ऑप्शन है। गाइस, उसके बाद इधर गाइस जब आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करें तो इधर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ब्लॉक कर सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन बंद कर सकते हैं, आपको जो भी है इच्छा। इसके बाद अगर आप लोग कार्ड कहीं गुम हो गया तो इधर आपका रीइशू डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं। गाइस, इसमें ही आपको सब ऑप्शन दिया गया है। तो गाइस, फाइनली इधर आप देख पाए लें जो भी था ये अभी डेबिट कार्ड का गाइस है। चलो मैं अभी आपको आएगा प्रोसेस पूरे बता देता हूँ। तो गाइस, आप देखेंगे अभी जो नया डेबिट, इधर आप बाजू में एक देखेंगे इधर, चलो सेलेक्ट मैं करता हूँ इसको। तो गाइस, जैसे आप सेलेक्ट करते इधर आप देखेंगे आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा, जो भी आप क्रेडिट कार्ड इसमें लिंक करके रखा, ऑलरेडी मैं इसमें दो क्रेडिट कार्ड लिंक करके रखा हूँ। तो गाइस देखिए, ये मेरा दोनों भी क्रेडिट कार्ड ICICI का ही है, एक है पेजैप सॉरी अमेजोन का, एक है ICICI का। तो गाइस, फैली मेरे जो अमेजोन वाला जो देख पाएंगे अमेजोन पे का हमको ऊपर में शो हो रहा है। भाई गाइस, अमेजोन पे के ICICI क्रेडिट कार्ड किस तरह से इस्तेमाल है, यानी किस तरह से रिसीव होता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वही वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह से Amazon Pay का ICICI कार्ड एप्लीकेशन यानी कार्ड अप्लाई होता है। तो गाइस, फाइनली आपको इस कार्ड को भी आप लोग इधर से ही मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको इस पे मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, मैनेज पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं मैनेज पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस, जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो गाइस इधर देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें गाइस इधर से आप सब कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और उसके बाद पिन जनरेट कर सकते हैं, इधर से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। गाइस, उसके बाद इधर देख पाएंगे इधर तीन जो ऑप्शन में इधर देख पाएंगे, या मैं जो ट्रांजेक्शन इसको बंद करके रखा हूँ, इधर से आप सब ये जरूर करके रखिएगा, ताकि आप सबको ये एक बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। गाइस, होता क्या है, अगर आप सबके पास ये कार्ड कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ या कहीं चोरी हो गया या कहीं गुम हो गया, तो गाइस इस वक्त अगर आपका ये कार्ड ये गुम हो गया है, अगर आप लोग इसको ऑफ करके रखे हैं तो आपका कार्ड कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। गाइस, देखिए मैं ऑनलाइन के लिए जो टिक लगा कर रखा हूँ, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमको करने वाला था, तो इसके लिए मैं इसको ऑनलाइन पर टिक लगा कर रखा हूँ। गाइस, इसके बाद इधर देख पाएंगे एक ऑप्शन दिया गया है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का। गाइस, हमको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी हमको बंद करने का था, इसके लिए मैं इसको भी ऑफ कर दिया था। आप लोग भी ऑफ करके रखिए, ताकि आप सबको कभी लाइफ में ऐसा हो जाए कि कार्ड कहीं गुम हो गया तो आप सब इससे सुरक्षित रह सकते हैं, यानी आपका कार्ड का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी आपके बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट है, तो आप सब इधर से जरूर इधर से ये
सिस्टम कर लीजिएगा ताकि आप सबको ये बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ सेलेक्ट करें तो कई तरह से आप देख पाएंगे, अगर आप सब क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं यानी क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना चाहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज क्रेडिट कार्ड लिमिट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं मैनेज क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर दिया, तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दे इधर देख पाएंगे आपका जो अभी फिलहाल में अभी लिमिट दिया गया है 33 का हमको मिला हुआ है। अगर आप सबका ज़्यादा मिलेगा तो अभी देखिए एक ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट करने के, आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए देखिए क्या होता है। चलो फाइनली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या अभी फिलहाल ये मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट यानी इंक्रीज होगा यानी आपका लिमिट बढ़ेगा तो आप सिर्फ इधर देखें एक सेलेक्ट को जो ऑप्शन दिया गया है आपको सिर्फ ये सेलेक्ट को आगे की तरफ करना है। जब इस ऐसे सेलेक्ट इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो आपका जितना भी लिमिट इंक्रीज होने वाला रहेगा इधर तक लाने के बाद आपका उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो फाइनली आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगा इधर से उसको सबमिट करने के बाद। चलो क्या हम इसके आगे का बात अभी कर लेते हैं। क्या इसमें आप देख पाएंगे एक ऑप्शन, जब लास्ट बिल पे आप क्लिक करेंगे तो इधर देख पाएंगे आपका क्रेडिट लिमिट कितना रहेगा, उसके बाद आप लास्ट बिल में आपका कितना जनरेट हुआ है लास्ट बिल, उसके बाद करंट में कितना है और अवेलेबल बैलेंस कितना है आपका सब इधर से शो हो जाएगा, जो कि ये नया नया अपडेट अभी दिया है ICICI मोबाइल एप्लीकेशन में। तो क्या उसके बाद आप मैनेज कार्ड पर क्लिक करने के बाद आप इसका पूरा मैं फैसिलिटी अभी आपको बता ही दिया हूँ। क्या इसके बाद इधर से एक पर्सनल लोन का जो एलिजिबिलिटी मिलता है आप एलिजिबल रहेंगे क्रेडिट कार्ड का लोन लेने के लिए, तो क्या इधर आपको लोन पर क्लिक करना पड़ेगा पर्सनल लोन पर। चलो फिलहाल पर्सनल लोन पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप लोन पे क्लिक किए तो देखें हमको जो कुछ भी अभी फिलहाल में ऑफर नहीं दिया गया, यानी ऑलरेडी मैं एक ऑफर इसका लूट चुका हूँ, यानी मैं 76,000 का मैं इसका लोन ले लिया हूँ, तो इसके लिए हमको फिलहाल में अभी ये नो ऑफर बताया जा रहा है। तो अगर आप सबका भी ऑफर रहेगा तो आप सब ऑफर पे जैसे क्लिक करेंगे पर्सनल लोन पे तो आपका जो भी अगर एलिजिबल रहेंगे लोन के लिए तो आपको फाइनली लोन इधर शो हो जाता है। गाइज मैं एक बात और बताऊँ, अगर आप सब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं EMI में इसको कन्वर्ट करूं, तो गाइज इधर आप देख पाएंगे मैनेज कार्ड में क्लिक करने के बाद इधर आपका कन्वर्ट EMI ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि मैं इस कार्ड को ब्लॉक करूं, तो गाइज इधर देख पाएंगे आपका कार्ड ब्लॉक का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो शॉपिंग किया हूं उसके बाद हमको ऑटो डेबिट होना चाहिए हमारे बैंक अकाउंट से, तो इधर आप रजिस्टर फॉर ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी दिया गया है। गाइज इधर इसके बाद अगर चाहते हैं कि मेरा बिलिंग साइकिल चेंज होना चाहिए क्रेडिट कार्ड का जो बिल आपका जनरेट होता है वो आप लोग साइकिल चेंज करना चाहते हैं, तो इधर से आप भी इधर देख पाएंगे मैनेज बिलिंग साइकिल पर भी आप क्लिक करके आप अपना साइकिल भी चेंज करवा सकते हैं, बिलिंग का जो साइकिल होता है वो चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग EMI पर अपडेट करना चाहते हैं तो इधर सभी ऑप्शन आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं, इधर से आधार कार्ड भी लिंक इधर से कर सकते हैं आप सब। उसके बाद गाइस इसमें जो नया नया जो फैसिलिटी मिल जाता है यानी आप सबका जो लाभदायक है वो है फंड ट्रांसफर के लिए, उसके बाद बिल पे के लिए, यानी इसमें बिल पे में एक नया अपडेट दिया वो फास्ट टैग का दिया गया है, आप सब इसमें फास्ट टैग भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो फाइनल मैं बिल पेमेंट पर क्लिक किया तो गाइस इधर एक नया जो अपडेट फिलहाल में दिया गया है वो फास्ट टैग का दिया गया है, इधर देख पाएंगे अगर आप सब फास्ट टैग यानी आप सब कहीं NH पे गाड़ी लेके जाते तो आप सबके लिए फास्ट टैग इसमें अवेलेबल दे दिया गया है। उसके बाद इधर क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट कर सकते हैं पोस्ट पेड इलेक्ट्रिक गैस D2H ICICI प्रीमियम लाइफ अगर आप लोग शो करते हैं यानी आप लोग चलाते हैं तो आप लोग इधर से इसका बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या ये सब अभी जो फिलहाल में नया नया अपडेट दिया गया है, जो कि नया अपडेट यही है फास्टैग का, या ऑलरेडी इससे ये सब था ही पहले बट अभी जो है फास्टैग का एक नया अपडेट दिया गया है IMOL एप्लीकेशन में। गाइज अगर आप लोग पर्सनल यानी आपका बैंक अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट अगर उसमें आपका लिए अगर लोन है फिलहाल में, जो कि मैं इसके अभी इस अभी जो बताया हूँ फिलहाल में वो मैं क्रेडिट कार्ड के लोन के बारे में बताया था, अभी जो अगर मैं आपका अकाउंट में आप लोग अच्छे खासे बैलेंस अगर आप लोग ऐड करके रखते हैं तो आपको एक इस लोन पे क्लिक करना पड़ेगा लोन लेने के लिए। तो चलो फाइनली मैं इस लोन पे क्लिक करता हूँ, तो गाइस इधर देख पाएंगे हमको जो अभी फिलहाल में एक ऑफर दिया गया है वो 1,12,000 रुपया का दिया गया है 36 मंथ के लिए। अगर हम टू व्हीलर अगर कोई लेना चाहते टू व्हीलर बाइक लेना अगर चाहते हैं तो हमको 1,12,000 रुपया दिया जा रहा है ICICI बैंक की तरफ से। तो आप सब अगर इस तरह का अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप सब फाइनली लोन पर क्लिक कीजिएगा तो फाइनली आपको लोन मिल जाएगा। तो गाइस ये लोन जो मिलता है वो इंस्टेंट में मिलता है आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट में मिल जाएगा, बट हमको अभी ये चाहिए नहीं, इसके लिए मैं आगे का प्रोसेस इसमें नहीं कर रहा हूं। अगर आप सबको चाहिए तो आप सब डायरेक्ट इस 9 पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका आगे का प्रोसेस कर लीजिए जिसमें आपका नाम एड्रेस ऑटोमेटिक सब कुछ फिल रहता है, सिर्फ आपको कितना चाहिए और कौन सा स्टोर से चाहिए। तो चलो फिर मैं इसे पूरा प्रोसेस बता ही देता हूं। तो गाइस हम चलो इस पे अवेल नाउ पे क्लिक कर दिया, जैसे आप अवेल नाउ पे क्लिक करते आपको ये जो लेके जाएगा क्रोम में लेके जाएगा। चलो फिर मैं क्रोम में चलता हूं, तो गाइस ये देख कुछ मेरा प्रोसेस हो रहा है जो कि फाइनली मैं आपको बता दिया हूं कि ये क्रोम में लेके जाता है। चलो मैं क्रोम में जाने के बाद वेट कर लेता हूं फिलहाल। तो गाइस देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जब आप अवेल नो पे क्लिक करेंगे। तो गाइस इसमें आपका एक इंटरनेट लॉगिन आपका चालू करना पड़ता है, इंटरनेट लॉगिन दबा चालू करो, उसके बाद आपको कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आपका जो भी एड्रेस रहेगा यानी जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप लोग बाइक लेना चाहते हैं तो उधर से आप लोग बाइक लीजिएगा, उसके बाद आपको पेमेंट जो है आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
क्या जी, इसमें एक आप इधर देख पाएंगे माई अकाउंट का भी ऑप्शन दिया गया है, कार्ड का दिया गया है, लोन का दिया गया है, भीम यूपीआई का दिया गया है। क्या जी, आप लोग भीम यूपीआई आईडी क्रिएट नहीं करना चाहते, चलो भले मैं भीम यूपीआई पे क्लिक किया, जैसे भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें का इधर आप सब यूपीआई स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, सेंड मनी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी इधर से भेज सकते हैं। कहते हैं आपको यूपीआई आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं मैनेज पे क्लिक कर देगा, जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको माय प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं माय प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया। जैसे आप माय प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ऑलरेडी आप देखें मैं यूपीआई आईडी ऑलरेडी 3 बना कर रखा हूँ, यानी 4 बना कर रखा हूँ। कहते आपको नया अकाउंट बनाने के लिए यूपीआई आपको क्रिएट न्यू वीपीआई पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली पे क्रिएट वीपीआई पे क्लिक कर देगा। उसके बाद इधर आपका जो भी नाम है अपना नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद आप एलिजिबल पे एक बार क्लिक कर दीजिए, यानी जो भी आपके एलिजिबल है। चलो फाइनली मैं अपना एक नाम डाल के आपको दिखला देता हूँ ताकि आप सब समझ में आ जाए। तो गाइस फाइनली में अपना नाम डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ये चेक एलिजिबल पे अवेलेबल पे अवेलेबिलिटी यानी मिलना चाहिए, तो आपको उस पर क्लिक करना चाहिए। फाइनली मैं इस पर क्लिक चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देगा। इधर देख पाएंगे नॉट अवेलेबल, यानी आपको नीचे में इधर देख पाएंगे आप, इसमें से कोई एक आपको च्वाइस करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा यूपीआई आईडी, यानी जो आप यूपीआई आईडी यानी भीम यूपीआई जो होता है आपको सिर्फ इधर से ही आपको ये क्लिक। चलो फाइनली मैं इसमें से एक ले लेता हूँ गाइस, चलो पहले वाला ही ले लेता हूँ इसमें। तो कहीं फाइनली मैं पहले बार पे क्लिक कर दी, देख मेरा बोलता है नोट अवेलेबल, यानी मैं ये सब यूज कर लिया। तो कहीं देख फिर हमको एक बताया जा रहा है कि वीपीए इज अवेलेबल। चलो फाइनली मैं इस पर क्लिक कर दी, यानी मेरा जो ये है सक्सेसफुल हो गया था। अगर मैं ये यूज करना चाहता हूँ यूपीआई आईडी में तो फाइनली मैं ये यूज कर सकता हूँ। चलो मैं प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस जैसे प्रोसेस पे क्लिक कर देते इधर देख पाएंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें गाइस आप सबके एक मोबाइल नंबर से अगर अदर दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड है तो आप सब दूसरा बैंक का भी आई मोबाइल से ही ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको दूसरा बैंक ऐड करने के लिए आपको अदर पर क्लिक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप आईसीआईसी का ही क्लिक करना चाहते हैं, यानी आईसीआईसी का यूपीआई से लिंक करना चाहते हैं, आपको फाइनली आईसीआईसी पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस इधर आपके इस पर आपको क्लिक करते हैं। चलो फाइनली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद आपका अकाउंट नंबर इधर शो हो जाएगा। उस पर अकाउंट नंबर क्लिक करने के बाद इधर आपको दोनों पे टिक लगा देना है, सेंड पे भी और रिसीव पे भी। चलो फाइनली मैं सेंड और रिसीव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सेंड और रिसीव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये यूपीआई आईडी क्रिएट हो गया है और आप सब इसी यूपीआई आईडी से मनी रिसीव कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। कहीं उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है सर्विस का दिया गया है नीचे में, चल जो सर्विस पे क्लिक करता हूँ। गाइस सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको यही एक ऑप्शन सब मिल जाता है। अगर आप सब चेकबुक लेना चाहते हैं आपको इधर से चेकबुक मिल जाएगा, तो फाइनली वही एक कार्ड सर्विस अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं आप कार्ड सर्विस मिल जाता है। तो यही सब एक अपडेट रहता है, इसमें ज़्यादा अपडेट है नहीं फिलहाल। सर्विस में जाने के बाद आप लोग सिर्फ अकाउंट का जो आप किस प्रकार का अकाउंट है आपको वही सब इधर शो हो जाता है। कार्ड पे सर्विस करने के बाद, चलो मैं कार्ड पे सर्विस के तो देख पाएंगे आपको दोनों कार्ड शो हो जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि कार्ड का पिन किस तरह से जनरेट, जो कि पहले में ही जनरेट हो जाता है, आपको इधर आने की जरूरत नहीं है। बट मैं आप सबके लिए वीडियो में जो भी है आप सबको मैं पूरे अलग अलग से जो स्टेप है मैं पूरा स्टेप आपको सबको फॉलो करता हूँ इस वीडियो में। तो गाइस ये इससे में ऑप्शन सेम यही है, बट आपका सर्विस में यानी सब दिए दिए गए सर्विस में जाने के बाद, तो आप सबको सर्विस में नहीं आना है। जो भी आपको ऑप्शन है आप शुरू में ही इसको ही इधर आपसे इधर से एडिट आप लोग कर लीजिए, ताकि इधर मैनेज पाने के बाद आप लोग को मालूम पड़ गया कि मैनेज पाने के बाद सबको ऑप्शन दिया गया है एटीएम पिन बनाने के लिए। तो गाइस फाइनली आप लोग मैं अभी इस वीडियो में जो भी था अपडेट आईसीआईसीआई मोबाइल एप्लीकेशन का पूरे मैं अपडेट इसमें दे दिया हूं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।